क्लासेस। तो बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, हिंदी भाषा में जो शब्दों का निर्माण होता है वो कई तरीके से किया जाता है, कई तरीके से नए नए शब्द बनाए जाते हैं। उनमें से एक तरीका होता है उपसर्ग और प्रत्यय। अब उपसर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है, यानी शब्दों का जो निर्माण है वो कई तरीके से किया जाता है। इनमें से एक विधि है शब्दों के आरंभ में, यानी शब्द के पहले, यानी शब्द से पहले और शब्द के अंत में कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जाती है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको हार शब्द दिख रहा है। हार के आगे अगर हम आ जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आहार, यानी एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है। अब ये है, इस तरह के प्राप्त शब्द के अर्थ में भी नवीनता देखी जाती है। यानी देखिए यहाँ हार का अर्थ क्या होता है, हार का अर्थ होता है पराजय या फूलों की माला। लेकिन जैसे ही इसके आगे आ जोड़ दिया जाता है तो ये नया शब्द क्या आ जाता है हमारे पास, आहार। और आहार का अर्थ क्या होता है, भोजन। यानी दोनों के अर्थ में भी नवीनता देखी जाती है, नवीनता होती है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे देखिए हार शब्द में आ, प्रा और वि जोड़ने पर हमें आहार, परहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द से बिल्कुल अलग है। अब मूल शब्द हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, हार। अब इसके आगे या हम पीछे कुछ शब्द जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक नया शब्द। अब जैसे ही हमने हार के आगे आ जोड़ा तो क्या मिला, आहार। और आहार का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए क्या होता है आहार का मतलब, भोजन। वेरी गुड। अब इसी तरीके से हार, हार के आगे प्रा जोड़ा तो क्या बन गया, ये परहार। परहार, अब हार का मतलब अभी आपको बताया था, हार का मतलब होता है पराजय या फूलों की माला। अब जैसे ही इसके आगे प्रा जोड़ा तो ये हो गया परहार। और परहार का अर्थ क्या होता है, चोट। यानी दोनों के अर्थ में नवीनता देखी जा रही है। फिर देखिए हार, हार के आगे वी जोड़ा तो ये क्या हो गया, विहार। और विहार का मतलब होता है भ्रमण करना, भ्रमण करना। तो आज हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग, उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू यानी उसके पहले में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ रहा है और आगे जुड़कर क्या ला रहा है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर रहा है और नया शब्द बन रहा है। तो कुछ उपसर्ग की यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको उपसर्ग बता रखे हैं यहाँ पर, उपसर्ग, फिर उनके मूल शब्द, और इनके मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ने से कौन से शब्द का निर्माण हो रहा है वो यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले जय, ये हमारा हो गया मूल शब्द जय। इस जय के अंदर जय का अर्थ क्या होता है, जीत। जय के अंदर जैसे ही हमने जय के आगे प्रा जोड़ा तो ये क्या हो गया, पराजय। तो पराजय का अर्थ क्या हो गया, हार। तो दोनों के अर्थ में भी भिन्नता देखी गई, जैसे जय, जय का मतलब हो गया जीत और पराजय का मतलब क्या हो गया, हार। आया समझ में? लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जो हमारा मूल शब्द होते हैं जिससे हम अर्थ का, सॉरी, शब्द का निर्माण कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ होना जरूरी है। बिगर अर्थ के कोई भी शब्द नहीं होगा, उससे हम शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे मूल शब्द होंगे उनका क्या होना जरूरी है, कोई ना कोई अर्थ निकलना जरूरी है। जैसे देखिए मोहन, मोहन क्या है, एक नाम है। इसी तरीके से गमन, गमन मीन्स जाना, इनका कोई ना कोई अर्थ है। अब मोहन एक नाम है, इसके आगे
आगे जैसे ही सम जोड़ा तो ये क्या हो गया, सम्मोहन, मोहित कर लेने की कला। दोनों के अर्थ में भी क्या हुआ, नवीनता पानी जा रही है, दोनों के अर्थ भी भिन्न हैं। फिर देखेंगे हम गमन, गमन का मतलब होता है जाना, इसके आगे आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, आगमन। तो आगमन का मतलब आना, गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। नेक्स्ट देखेंगे आप मान, मान का इस अर्थ क्या होता है, इज्जत। मान के अंदर अप जोड़ दिया तो नया शब्द हमें क्या प्राप्त हो गया, अपमान। अपमान का अर्थ भी अलग है, इसके अपमान का अर्थ क्या हो गया, बेइज्जती। तो मान और अपमान दोनों के अर्थ में भी नवीनता देखी जा रही है। फिर तो देखें पात्र, पात्र का अर्थ क्या होता है, लायक। इसके आगे कू जोड़ दिया तो क्या हो गया, कुपात्र, यानी नालायक। ठीक है, उपसर्ग क्या हुआ बच्चों, उपसर्ग जो है वो उसके शब्द के आगे जोड़ने पर नए शब्द का निर्माण हो रहा है। अब उपसर्ग जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उपसर्ग, देखिए यहाँ पर उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है संस्कृत के उपसर्ग, फिर आता है हिंदी के उपसर्ग, और फिर आता है विदेशी उपसर्ग। तो हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। अब तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी में कुछ शब्द आए हैं जिनका हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं और उन्हें ही हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अब उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। यहाँ पर कुछ संस्कृत उपसर्ग के उदाहरण दे रखे हैं जिसे हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपके संस्कृत में उपसर्ग दे रखे हैं, उनसे कौन कौन से नए शब्दों का निर्माण हो रहा है, कि जो ये उपसर्ग हैं उनसे हम कौन कौन से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं। तो सबसे पहला उपसर्ग है आपका अ। अब इसके कौन से नए शब्द बन रहे हैं, देखिए अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति और अव्यय। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है हमारा, ज्ञान, और ज्ञान के आगे क्या जोड़ा, कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है, कौन सा शब्द बन गया, क्या बन गया, अज्ञान। इसी तरीके से दूसरा देखिए अंतर, अंतर राज्य, अंतर राष्ट्रीय, अंतर जातीय और अंतर मन। क्या हुआ बेटा, किसी को कोई परेशानी? नो मैम। फिर आप आपस में बातें नहीं कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. फिर आप सुनिए इसको ध्यान से, देखें समझेंगे नहीं, आप आपस में बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। देखिए आगे अति, अब अति से अति उपसर्ग से कौन कौन से नए शब्द बन रहे हैं, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत और अत्यधिक। ये हो गए हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग के बाद आता है हमारे हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग दे रखे हैं आपको, उससे कौन कौन से नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले आपको दे रखा है अन, अध, उन, कु और चो। अब अन से कौन से शब्द, अन उपसर्ग से कौन से नए शब्द बन रहे हैं, देखिए अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी और अनकही। अब इनमें मूल शब्द कौन से, देखिए अनपढ़ में मूल शब्द कौन सा बताइए, आप लोग बताइए सानिया, अनपढ़ में मूल शब्द कौन सा है? अनपढ़, वेरी गुड, कौन सा है, पढ़। जैसे ही हमने मूल शब्द जोड़ा तो ये क्या हो गया हमारा, अनपढ़। फिर अनबन, अनजान, इनके मूल शब्द है पढ़, बन, जान, होनी और कही। अब देखिए अध से कौन सा नया शब्द बन रहा है, देखिए अधखिला, अध जला, अध मरा और अध कपारी। उसके बाद उन, उन जो उपसर्ग है उससे बनने वाले शब्द कौन कौन से, उनसद और उन्तीस। फिर देखिए कुपात्र, कुढंग और कुमार, कुसंग। फिर चौ से देखो चूरहा, चौमासा, चौकोर और चौकन्ना। ये थे हमारे
हिंदी शब्द के उपसर्ग। इसके बाद आता है विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्ग क्या है? विदेशी उपसर्ग क्या कहलाते हैं? देखिए, जो विदेशी उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं, विदेशी उपसर्ग जो आपके संस्कृत, हिंदी और इनसे लिए गए जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं आपके विदेशी उपसर्ग। अब आता है प्रत्यय। अब अभी आपने देखा कि उपसर्ग का निर्माण कैसे हुआ। उपसर्ग कुछ शब्दों के आगे हमने जब शब्द जोड़े तो नए शब्द बने, यानी जब हम आगे शब्द जोड़ रहे हैं वो कहला रहा है उपसर्ग। अब हम पीछे जब शब्द के पीछे जोड़ेंगे वो कहलाएगा हमारा प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है? वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखो बेटा, इससे पहले क्या आ रहा था कि शब्द के आगे जुड़ रहे थे वो उपसर्ग कहला रहे थे, और अब जो पीछे जुड़ेंगे वो प्रत्यय कहलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर है पर्वत। पर्वत का मतलब क्या होता है? पहाड़। पर्वत का मतलब क्या होता है बच्चों? पहाड़। जैसे ही ये शब्द जुड़ा इसके पीछे तो ये क्या हो गया? पर्वतीय। क्या हो गया? पर्वतीय, यानी पर्वत संबंधित। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज है, दोनों के अर्थ में भिन्नता पाई जा रही है। जैसे पर्वत का मतलब यहाँ पहाड़ था, और अब यहाँ पर जैसे ही इसमें ये प्रत्यय जुड़ा और उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया, वो क्या बन गया? पर्वतीय। इसी तरीके से यहाँ पर कीमत, कीमत में जैसे ही ती प्रत्यय जुड़ा तो वो क्या हो गया? कीमती। अब देखो कीमत का अर्थ क्या था हमारा? मूल्य। और कीमती का अर्थ क्या है? मूल्यवान। तो दोनों के अर्थ में क्या हुआ? दोनों के अर्थ में आपको भिन्नता पाई जा रही है। दोनों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही सेम है, सिर्फ दोनों में फर्क क्या है? उपसर्ग के अंदर शब्द आगे जुड़ता है और प्रत्यय में शब्द पीछे जुड़ता है। लिखा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, लेख। लेख का मतलब लिखा हुआ कोई भी गद्य। इसमें जैसे ही इत प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या हो गया? लिखित, यानी लिखा हुआ। तो आपको आज मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया। वापस से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रत्यय। प्रत्यय। तो आज आप इसको घर, मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको मैं सेंड करूंगी, तो आप इस पीडीएफ को अपनी नोटबुक में कीजिएगा और पढ़े और समझना। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद आपकी संस्कृत की जो संस्कृत गर्ल्स है वो यहीं पर रुकेंगी, और बाकी लेफ्ट हो जाइए। बाकी गर्ल्स, सिर्फ संस्कृत की गर्ल्स यहीं रुके। अभी संस्कृत की क्लास होगी इसके बाद। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मैथ्स की क्लास नहीं होगी क्या? मैथ्स की तरीके क्लास मैथ्स की थी ना, फिर मैम ने ले ली हिंदी की। तो अरे हाँ, कैंसिल हो गई होगी आयशा, आगे पीछे हो गया होगा टाइम टेबल। कल भी तो हो गई थी, एसएसटी की मैम को मैंने कॉल लगाया था, तो मैंने कहा कि नहीं होगी आज।